अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। ठीक है, अपने पेपर्स की तैयारियां जो हैं वो सही तरीके के साथ कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 की लैब एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज जितनी भी थी वो सारी हम लोगों ने परफॉर्म की थी। उसमें जो लास्ट नेस्टेड लूप के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने नेस्टेड लूप के टॉपिक में, यानी कि जो उससे प्रीवियस टॉपिक है, एक्सरसाइज से पहले वाला टॉपिक है, अगर प्ले लिस्ट में आप जाएँ तो आप नेस्टेड लूप के अंदर सारे के सारे आपको पैटर्न मिल जाएंगे। वो जो आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है वो भी, और इसके अलावा भी जितने पैटर्न बन सकते थे ईजिली, जो आपके कोर्स का पार्ट बन सकते थे, मैंने कोशिश की है कि वो एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको सारे समझा दूँ। आज हम लोग लैब एक्टिविटी, फर्स्ट लैब एक्टिविटी के ऊपर मूव करेंगे। तो फर्स्ट लैब एक्टिविटी है आपकी के आप लोगों ने कहता है कि राइट अ प्रोग्राम डैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वेयर इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 और अदरवाइज प्रिंट इट्स क्यूब। यानी कि यह आपसे कहना ये चाह रहा है कि अगर हम लैब एक्टिविटीज़ 1 की तरफ आएँ, सो हम जस्ट इसको ये कहता है इफ़ जो नंबर आपने लिया है, लेट सपोज n, अगर वो ग्रेटर है किस से, 10 से, सो आप उसका क्या चीज़ प्रिंट करवा दें, प्रिंट स्क्वेयर, ठीक है, और अदरवाइज प्रिंट इट्स क्यूब। लेट मी कन्फर्म के यही लिखा हुआ है, ठीक है जी, यही लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट लैब एक्टिविटी। मैं आपको साइड पे जो है वो शो भी हो रही होगी लैब एक्टिविटी, फर्स्ट लैब एक्टिविटी आपसे क्या कहना चाह रही है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें माइंड पे रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि लेट सपोज कि मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, अब स्टेटमेंट पढ़ने से मुझे पता क्या लगा है, ठीक है। पहली चीज़ कि उसने ये कहा है कि रीड अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, कि आप लोगों ने एक नंबर रीड करवाना है, चाहे यूज़र से नहीं भी करवाना, आप लोगों के पास जब एक दफ़ा स्टेटमेंट लिखी हुई है कि रीड करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपने यूज़र से ही लेना है, ठीक है। उस नंबर को चेक करना है, अगर जो यूज़र ने नंबर दिया है अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो आप उसका क्या चीज़ प्रिंट करवाएंगे, स्क्वेयर, अदरवाइज उसका क्यूब प्रिंट करवाएंगे। सो अगर प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज में देखें तो हमारे पास टू कंडीशंस हैं, ठीक है, एंड व्हेन वी हैव टू कंडीशंस टू एवेल्युएट वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये सिर्फ ये होता कि अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो इसका स्क्वेयर प्रिंट करवाएं, अदरवाइज स्किप्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग इसमें क्या चीज पुट करेंगे, इफ। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक स्क्वेयर की और एक आपके पास क्यूब की, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इफ एल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम से। तो सबसे पहले मैं बेसिक आर्किटेक्चर लिखूंगा। अब मैं बेसिक आर्किटेक्चर वो वाला आपके सामने लिखूंगा जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो कोडिंग यूज़ हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से, कोशिश करूँगा कि थोड़ा बड़ा लिखूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अगर डेव को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आयो स्ट्रीम डॉट एच नहीं लिखेंगे। सेकेंड लाइब्रेरी आपकी कोनियो डॉट एच, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ठीक है जी। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी के बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। सो आप लोगों के मेक श्योर कि आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि इसको लिख के इसका बेसिक आर्किटेक्चर इसको रन करवाना है कि ये ठीक तरीके से रन हो भी रहा है कि नहीं। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो लैपटॉप के ऊपर भी करके दिखा दिया जाए कि ये बेसिकली एक्चुअल एग्जीक्यूशन इसकी कैसे होती है, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कि हम यूज़र से हमने कोई एक इंटीजर लेना है, ठीक है, तो वो इंटीजर हमें लेना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इंट एन, ठीक है, हम लोगों ने एक इंटीजर जो है वो ले लिया है, ठीक। दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। अगर आप साइट पे कमेंट्स भी यूज़ करते हैं तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, आप लोग साइट पे कमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे अगला स्टेप ये है कि हमने यूज़र को कहना है कि हमें कुछ नंबर दे, तो उसके लिए हमें उसको कुछ आउटपुट के ऊपर प्रॉम्प्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट करवाने के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ सी आउट। ये सारे स्मॉल लेटर्स में, कई दफ़ा मैं कैपिटल लिख भी जाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मैंने जब भी ये डिस्कशन की थी शुरू में भी तो हमने लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और ये हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर ही अकर करते हैं। दिस इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, सी आउट। और सी आउट के बाद मैंने यहाँ पर दिस इज़ माई इंसर्शन ऑपरेटर, और इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटर एनी इंटीजर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है सी एन और एन, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोगों ने लिख ली है, ठीक है, ये चीज़ स्टोर भी होगी आपके पास। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, इफ़ सिंपल आप लगाएंगे इफ़, ठीक है। अब देखें एन अगर वो ग्रेटर है, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 10,
ठीक है, इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन 10, अगर n ग्रेटर देन 10 है तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट करे, उसका स्क्वेयर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास a, अगर एक स्टेटमेंट है तो आपको वो डेलीमीटर इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सो आप सिंपली लिख सकते हैं सी आउट स्क्वेयर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n स्टेरिक n, वी ऑलरेडी नो कि हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी एफिशिएंट कोडिंग की है, वरना आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक s और एक c के नाम से वेरिएबल ले सकते हैं, या फिर स्क्वायर या क्यूब के नाम से एक वेरिएबल ले सकते हैं, और यहाँ पर आके आप लोग स्क्वायर इज इक्वल टू n क्रॉस n कर सकते हैं और यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि वेरिएबल्स और मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट प्रोग्रामिंग की है, सो मैं इसी को एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ कर दिया है, ठीक है। ये जब एक्सप्रेशन आपके सामने एग्जीक्यूट करेगी तो क्या करेगी कि इसका रिजल्ट हमें शो होगा। ये भी हम लोगों ने चैप्टर 3 के जो एक्सरसाइज है उसकी प्रोग्राम में हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद एल्स की कंडीशन है। एल्स के अंदर देखें, एल्स के अंदर अक्सर जो स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, एल्स के अंदर कभी भी जो है वो हमारे पास कंडीशन यूज़ नहीं होती। अब एल्स के अंदर कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 10 नहीं है, ठीक है, या उसकी इक्वल है या उससे लेस है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट इट्स क्यूब। अब क्यूब कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो सिंपल हम लोग लिखते हैं सी आउट क्यूब इज इक्वल्स टू एन स्टेरिक एन स्टेरिक एन, ठीक है। अभी आपके पास ख़त्म हो गया गेट सी एच, ठीक है, और ये आप लोगों के पास ये प्रोग्राम जो है वो आपके पास एंड हो गया। अगर हम इसकी आउटपुट की तरफ जाते हैं तो आउटपुट में किस तरह से डिस्प्ले करेगा, एक ही प्रोग्राम थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगा, बाकी कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी ताकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी ना हो। अब क्या किया कि हमारे पास मेमोरी के अंदर एक स्पेस आ गई, इंट है 4 और 2 बाइट्स लेता है, 2 टर्बो सी प्लस प्लस के लिए और ये कोड ब्लॉक या डेफ सी प्लस प्लस के लिए, और देन आपके पास वेरिएबल का नाम है एन। अब यूज़र से आप प्रॉम्प्ट करवा रहे हैं तो जो चीज़ सी आउट में लिखी हुई होती है वो एज इट इज़ आपके पास शो होगी, लिखेंगे इंटर एनी इंटीजर, इंटर एनी इंटीजर। अब लेट सपोज मैंने इंटर किया 2, ठीक है, इसने 2 को यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 कहाँ पर चला गया है, यहाँ पे। अब देख लें इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 10, अगर एन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 10 है, ठीक, अब ये ग्रेटर देन 10 है नहीं है, सो हम लोगों ने इसका क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, क्यू। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे लिखेगा क्यू इज इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो आपके पास आंसर आएगा 8, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका दूसरा टेस्ट केस बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 11 तो फिर इसका आपके पास जो है वो लिखा हुआ आएगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 121। एक और चीज़ पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब इफ़ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, जब एल्स चलेगा तो इफ़ नहीं चलेगा। प्रोग्राम में इन दोनों में से कोई एक चीज़ चल सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे जो हैं वो एक ही टाइम के ऊपर चलें। चलें जी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी है और वो आपसे क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि इवन है या ऑड है, यानी कि आपने एक नंबर यूज़र से लेना है और उस पर चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, ऑलरेडी भी मैं अपनी एग्जांपल्स में करवा चुका हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा इसको। तो लेट सपोज कि हम लोगों ने एक इंटीजर लेना है इंट एन, ठीक है, यूज़र से लेंगे सी आउट इंटर एनी इंटीजर और इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। अब ये जो है वो स्टोर हो गया, अब इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। हमें पता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने एक मॉड का ऑपरेटर पढ़ा था, तो इवन नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो 2 से जिनका मॉड लिया जाए, ठीक है, और उसका रिमाइंडर, या 2 से जिनको डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास हमेशा जो है वो 0 आना चाहिए। सो हम इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे, जो मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था वो डिफरेंट तरीका था, आज एक और तरीके से करेंगे। सो हम क्या कहते हैं, इफ़ एन मॉड 2 is not equals to, this is not equals to, not equals to 0, अगर ऐसा है तो फिर आपके पास क्या चीज़ शो करे, सी आउट odd, और अदरवाइज, ठीक है। आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ मैंने किया क्या है, इसके साथ मैंने ये किया है कि अगर हम इसकी आउटपुट पे जाएं, सो ये n इसने स्टोर करवा लिया। लेट सपोज कि हम यूज़र को n क्या देते हैं, इंटर एनी इंटीजर। लेट सपोज मैंने उसको इंटर किया 14, अब 14 देखें यहाँ पर आया 14 डिवाइड्स 2, तो जिसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स वाली, तो हमारे पास क्या चीज़ आउटपुट आई है, इवन।
अगर आप कोई ऑड नंबर प्रिंट करवाएंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो उस केस में आपके पास ये चीज़ चलेगी। डेलीमीटर्स नहीं लगाई क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है सी आउट की, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है वो आराम से कर सकते हैं। दूसरे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने इक्वल इक्वल्स टू जीरो पुट किया था, यहाँ पर आप कंडीशन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की समझ आए कि वो बेसिकली काम किस तरह से करिए। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं कि बेसिकली नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे से क्या डिमांड कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है इसको देख लें। कहते हैं रीड थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट वन। देखिए हमारे पास नंबर कितने हैं, तीन। इसका मतलब है उनको कंपेयर करने के लिए कंडीशन भी कितनी लगेंगी, तीन। इफ यू हैव ओनली वन कंडीशन टू एवेल्युएट वी यूज इफ स्टेटमेंट, इफ यू हैव एग्जैक्टली टू कंडीशन टू एवेल्युएट वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड इफ यू हैव मोर देन टू ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड और इफ यू हैव मोर देन टू कंडीशन टू बी एवेल्युएटेड वी यूज else if statement या if else if statement, ठीक है। तो इसकी तरफ मूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया ताकि जो है ना वो नीचे से आपको आसानी से समझाया जा सके। अब देखें स्टार्ट करते हैं। अब वो कहता है क्या कि आप लोगों ने रीड करने हैं तीन नंबर्स। तो सबसे पहली चीज़ रीड थ्री नंबर्स। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली किस तरह से काम करते हैं। लेट सपोज हम लोगों ने तीन नंबर यूज़र से लेने हैं तो हम लेंगे int a b and c, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आपने यूज़र से कहना है कि आपको अनइक्वल नंबर दे। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तीनों नंबर इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। उस केस में भी आपका फिर ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उस केस में फिर आपको एक और इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं चीज़ों को आसान कर देता हूँ। आप लोगों ने यूज़र से जब डिमांड करेंगे उसको सी आउट प्रॉम्प्ट करवाएंगे तो आप लोगों ने कहना है कि इंटर अनइक्वल नंबर, ठीक है। सो वो आप लोगों के पास जो है वो आसानी हो जाएगी उस चीज़ को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रॉम्प्ट करवाते हैं यूज़र को तो हम लोग सी आउट लिखेंगे, सी आउट लेट सपोज इंटर थ्री अनइक्वल नंबर, ठीक है जी। हम लोग क्या कहेंगे कि इंटर थ्री इंटीजर्स, ठीक है, और इंटीजर्स मस्ट भी क्या होने चाहिए, अनइक्वल नंबर्स, ठीक हो गया। सो हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, तीन नंबर यूज़र से ले लेंगे। लेट सपोज हम लोग कहते हैं ए, और टाइम बचाने के लिए वरना आप ये तीन लाइनें अलहदा से भी लिख सकते हैं, इंटर इंटर फर्स्ट इंटीजर, इंटर सेकंड, इंटर थर्ड, मैं उसको एक ही लाइन पे कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए आपने ले लिया, उसके बाद आप लोगों ने उसी लाइन पे बी एंड देन सी, इस पर काम करते हैं, ठीक है। ये किस तरह से काम करेगा, अब तीन नंबर आप लोगों ने यूज़र से ले लिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने लगानी है इफ़, पहली कंडीशन आप लोगों की, ठीक है। अब पहली कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, ठीक है। अब कंपेयर क्या चीज़ हो रही है, सो हम लोग कहते हैं इफ़। अब इफ़ के अंदर क्या चीज़ हो रही है, ए, अगर ए बड़ा है किस से, बी से, ठीक है। तो हमने कंडीशन बनाई इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और फिर हम लोग कहते हैं कि ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। सो जब भी दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास तो उनके दरमियान आपके पास यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर आता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर दो टाइप्स के लग सकते हैं, क्या यहाँ पर और ऑपरेटर लगेगा या एंड लगेगा, ठीक है। सो एंड आपके पास वो वाला ऑपरेटर होता है जिसमें हमें ये बताता है कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो मस्ट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये बताता है कि कोई एक, फॉर एग्जांपल ये ट्रू हो गई है तो आपकी पूरी कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू हो गई है तो आपकी पूरी कंडीशन ट्रू है। दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है वो चीज़ ट्रू है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मस्ट है कि इसको इससे भी ग्रेटर होना चाहिए और इसको इससे भी ग्रेटर होना चाहिए, तो इसके दरमियान हम लोग क्या चीज़ लगा रहे हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। मैं किसी और मार्कर से इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। कई दफ़ा एरर दे देते हैं तो एरर से बचने के लिए आपके पास ये ब्रैकेट्स इसको लगा लें, ठीक है, और दोबारा मेन ब्रैकेट में हम लोग आ जाते हैं ताकि आपको ये कंडीशन जो है वो समझ में आ जाए। आई होप कि आप लोगों को ये कंडीशन जो है वो समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब है जो नंबर ए है दैट इज़ लार्जेस्ट और दैट इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी आउट ए, यानी कि जो नंबर है इज़ लार्जेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। तो इससे अगली जो स्टेटमेंट होती है मल्टीपल के लिए तो वो एल्स इफ, एल्स इफ। अब एल्स इफ के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, चेक करें जी। अब बी के लिए आप यही काम करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है, और बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने लिखी, इसको क्लोज करते हैं। इसके दरमियान में भी हम लोगों ने क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने B के लिए परफॉर्म किया, अब B के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट B स्पेस दे के इज लार्जेस्ट, ठीक है जी। अब देखें लास्ट में हमारे पास आती है else,
और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। उसकी एग्जांपल जब मैंने करवा रहा था तब भी मैंने दी थी, अब अगेन वही वाली एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास तीन जो है वो कमरे में अलमारियाँ और आपके पास कपड़े आप लोगों ने ढूंढने हैं, तो आपके पास इन्हीं तीन अलमारियों के अंदर से कपड़े आपके पास मौजूद हैं। पहली अलमारी आप लोगों ने खोली तो आपको कपड़े नहीं मिले, आप लोगों ने दूसरी अलमारी खोल ली, दूसरी अलमारी के अंदर भी आपको कपड़े नहीं मिले, तो तीसरी अलमारी खोले बगैर आप बता सकते हैं कि कपड़े इसी के अंदर हैं, क्योंकि पहले दोनों के अंदर आपको नहीं मिले, इसका मतलब है थर्ड के अंदर मस्ट है वो आपको मिलेंगे। इसलिए एल्स के अंदर हमारे पास कंडीशन नहीं लगाई जाती, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स। और यहाँ पर ब्रैकेट्स मैंने इसीलिए नहीं यूज़ की क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एक स्टेटमेंट है, सो एक स्टेटमेंट में चाहे आप पैरेंथेसिस लगाएं या आप ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन मैं आऊँगा सी आउट पे और यहाँ पर मैं लिखूँगा सी इज लार्जेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको एंड कर दूँगा। आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एंड करवा देते हैं यहाँ से। अच्छा, इसकी आउटपुट पे अगर हम आएँ तो आउटपुट सिंपल सी है, देख लें। हम लोगों ने मेमोरी में हमारे पास तीन स्पेसेस खाली हुई, हमने कहा इंटर थ्री इंटीजर्स, ठीक है। लेट सपोज मैंने इंटर किया थ्री, उसके बाद मैंने इंटर किया फोर, उसके मैंने इंटर किया फाइव। अब यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स को मसला आता है कि सर इस तरह क्यों आया, इस तरह क्यों आउटपुट आई। देखें, जब आप लोगों ने थ्री लिखा, थ्री लिखने के बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस की तो आपके पास कर्सर यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद आपने फोर लिखा, फोर के बाद इंटर प्रेस किया तो कर्सर यहाँ पर मौजूद है। हाँ, इसको एक ही लाइन पर भी लिखा जा सकता है, आप स्पेस बार प्रेस कर दें। अगर आप थ्री के बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो जो है वो नेक्स्ट जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर के ऊपर मूव कर जाएगा और वो आपसे डिमांड करेगा कि वो नेक्स्ट आपने इंटीरियर जो है वो प्रिंट करना है। खैर, एनी हाउ यूजली जो है वो इसी तरह से प्रिंट किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटर थ्री इंटीजर्स, उसने हमारे पास ये चीज़ें दे दी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, ये पहली कंडीशन में जब पुट हुई सो पहली कंडीशन में आपके पास पहली कंडीशन फॉल्स होगी या सेकंड कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपके पास ट्रू होगी या सेकंड फॉल्स होगी है, तो एल्स पे आ गया। अब एल्स पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वेरिएबल लिखा हुआ है सी, सी की वैल्यू चेक करेंगे क्या है, दैट इज़ योर फाइव। सो हमारे पास लिखा आएगा फाइव इज़ लार्जेस्ट, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसकी इसकी अगर आप लोग चेंज भी करेंगे, फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, अगर ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, इसको अपनी तरफ से भी लिखेंगे, कोई भी वैल्यूज़ आप इसमें डाल सकते हैं, सो आपको इस हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको प्रोग्राम की लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, कि वो क्या कहती है हमसे। नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या डिमांड की हुई है कि रीड अ लेटर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ अपर केस और लोअर केस लेटर, ठीक है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले से पता है कि आप लोगों ने क्या चीज़ रीड आउट करवानी है, लेटर, लेटर या फिर हम लोग इसको करेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें। दूसरे नंबर पे हम लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर कितनी कंडीशन है, लोअर और अपर, इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हैं, तो हम इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट से आराम से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों ही आपको समझाऊँगा, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहले हमारे पास उसने कहा है कि आप लोगों ने एक करेक्टर इनपुट करवाना है यूज़र से, सो हम लोग लिखेंगे चार। अब चार जो करेक्टर हम लोगों ने लिया है, वेरिएबल का नाम मैंने लिया है सी एच, यहाँ पर ए बी सी लेटर भी हो सकता है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप लोगों ने वेरिएबल रखा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सी छोटा है अगेन, अच्छा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से लेंगे, यूज़र से लेने के लिए अगेन सी आउट, सो हम लोग क्या कहेंगे, इंटर एनी लेटर और उसके बाद हम लोग सी इन। सो ये तो यूजुअली जो हम पहले भी काम करते थे, इंटीजर ले लिया, अब यहाँ पर हम लोगों ने करेक्टर ले लिया। इफ़ की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इफ़ की कंडीशन बनाते हैं। इफ़ के अंदर हम लोगों ने कंडीशन पे क्या चीज़ लगाई है, इफ़। अब देखें, करेक्टर हम लोग लिखते हैं करेक्टर, अगर वो क्या हो, अगर वो हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किस के, कैपिटल ए के, ठीक है। अगर जो करेक्टर आपने यूज़र से लिया है अगर वो ग्रेटर है और इक्वल्स है किस के, कैपिटल ए के, या फिर जो सी एच है वो लेस है इक्वल है किस के, स्मॉल कैपिटल जेड के, तो ये आप लोगों की कंडीशन होगी, ठीक है। अब कंडीशन में आप लोगों ने यहाँ पर फिर अगेन है कि और लेना है या एंड लेना है, ठीक है, अच्छा। सो यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने क्या किया है कि सी एच को कंपेयर किया है कैपिटल ए से और सी एच को कंपेयर किया है स्मॉल ए से, ठीक। अब आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, अगर तो ये वैल्यू
इन इन में से कोई भी चीज़ ट्रू है, अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर है इक्वल्स टू है किस से, ए से, और लेस देन है और इक्वल्स टू है किसके, जेड से, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो कौन सा केस है, किसको कैपिटल, इसको कैपिटल जेड कर देते हैं, दिस इज़ योर कैपिटल जेड, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन स्टार्ट किया, लेट सपोज हम लोग लिखते हैं सी आउट अपर केस, दैट्स इट। एल्स में आप लोग क्या लिखेंगे, सी आउट लोअर केस। एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है कि कंडीशन हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है, ये हम लोगों ने दो कंडीशन लगाई हैं, अब इनके दरमियान आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर एंड आना चाहिए या फिर आपके पास और आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ दोबारा से देख लें ताकि आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग में जो है वो आसानी हो जाए। अगर सी एच की वैल्यू, लेट सपोज हम इसको पहले परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम इस पर आते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या चीज़ लगनी चाहिए। सो मैं टाइम बीइंग में यहाँ पर छोड़ देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसकी आउटपुट के ऊपर आ जाता हूँ। अब आउटपुट के ऊपर हम आते हैं, ठीक है, आउटपुट के अंदर मैं मांगूंगा इंटर एनी लेटर, और लेट सपोज मैंने इंटर किया यहाँ पर बी कैपिटल, ठीक है जी, कैपिटल बी इंटर किया। अब कैपिटल बी मैंने इंटर किया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या चीज़ डिमांड कर रहा हूँ कि कैपिटल बी मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद अब देखें वो सी एच के अंदर जो है वो कैपिटल बी जो है वो स्टोर हो गया। यहाँ पर चेक करें कि बी जो है वो ए से ग्रेटर होता है, यस, ए के बाद बी आता है तो इसका मतलब है कि वो इसका हिस्सा है, ठीक है। ये अभी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये आपको समझ नहीं आएगी अभी ये मैंने क्यों लगाई है, थोड़ी देर बाद इसी का एक और प्रोग्राम करते हैं। अब बी जो है वो मस्ट है कि वो जेड से छोटा भी होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मस्ट, मस्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ लाजमी है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आप इसके दरमियान में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एंड, यानी कि ये दोनों कंडीशनें जब ट्रू होंगी इसका मतलब है कि वो उस सेट का हिस्सा है, हमने पूरा सेट बना दिया, बिटवीन का केस लगाया। बिटवीन का केस क्या कहता है कि ए या ए से बड़ा हो या जेड से छोटा हो, सो इसके अंदर दोनों केसेस आपके पास आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंड यूज़ किया। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये चीज़ ट्रू होगी और ये चीज़ फॉल्स हो तो आप कहें जी अपर केस है, दोनों चीज़ें मस्ट हैं कि वो ट्रू होनी चाहिए, या कैपिटल जेड या जेड से छोटा होना चाहिए या कैपिटल ए या ए से बड़ा वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इसके बिटवीन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लाई करनी चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा अपर केस, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोग उसको ए स्मॉल ए भी प्रिंट करवाएंगे तो वो यहाँ पर दे देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 65 कर दूँ, इसको 65 कर दूँ और इसको कर दूँ 90, ठीक है, तब भी आपके पास जो है वो प्रोग्राम सेम काम करेगा, ठीक है। उसकी वजह समझ लें, उसकी एक छोटी सी वजह है कि ये जो हमारे पास C++ की लैंग्वेज है, ठीक है, इसके अंदर जो करेक्टर हमारे पास स्टोर करवाया जाता है वो इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करवाया जाता है, यानी कि वो उसकी कोई ना कोई ASCII वैल्यू जो है वो सेव करवा रहा होता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेटर देन की, अगर आपको एग्जाम्पल समझ, अगर आप यहाँ पर ए भी लिखें अपनी आसानी के लिए तो वो भी उसको ए ही लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं CH इज इक्वल्स टू ए लिखता हूँ, ठीक है, और मैं लेट सपोज कह देता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू सी एच एंड देन सी आउट ए, ठीक है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, द आउटपुट विल बी 65, क्यों, क्योंकि ये इसने हमारे पास जो है वो 65 को स्टोर करवाया। इसको जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लैपटॉप के ऊपर परफॉर्म करें, ठीक है, और आपको लाइव कोडिंग करके दिखाऊं कि ये चीज़ जो है वो ASCII कोडिंग ही ले रही होती है, यानी कि यहाँ पर ए भी ट्रू है और यहाँ पर आपके पास 65 भी ट्रू है, क्योंकि जो ASCII की वैल्यू है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि 65 या 65 से बड़ी वैल्यू हो और 90 या 90 से छोटी वाली वैल्यू हो तो इसका मतलब है कि ये कैपिटल अल्फ़ाबेट का सेट है। अगर ये कैपिटल अल्फ़ाबेट का सेट है तो हमारे पास यहाँ पर अपर केस प्रिंट करवाए, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर लोअर केस जो है वो प्रिंट करवाए। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं लेकिन ये आपकी यूनिवर्सिटी की जो है वो आपकी ग्रूमिंग कर देंगे, उधर भी आपको जाके ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अच्छी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्मॉल बी करते हैं तो ये वाला सेट जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा और आपके पास ये लोअर केस की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, यानी कि एल्स ब्लॉक जो है वो चलेगा। मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, की नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है जी, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास क्या कहती है, कहता है कि रीड एन इंटीजर एंड प्रिंट इट्स टेबल अप टू 20, यानी कि आप लोगों ने एक कोई नंबर यूज़र से लेना है और उसका टेबल प्रिंट करवाना है कहाँ तक, 20 तक, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इसको रफ में थोड़ा सा ड्रॉ करें ताकि आप लोगों को इसकी लॉजिक समझ में आ जाए। लेट सपोज आई इंटर टू,
ठीक, अब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन अप टू 20, ये चीज़ ठीक है, और 220 आर 40, ठीक है। अब इसको देख लें, ठीक है, ये आपके सामने जो नॉर्मल टेबल लिखने का पैटर्न होता है, इसमें एक चीज़ देखें कि हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर या फिर हम लोगों ने ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था लूप का, और लूप के अंदर जब मैंने प्रोग्राम करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है वो लूप से जो है वो गिनती प्रिंट करवा सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि अगर ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन होता, ठीक है, तो आप लोगों ने सीक्वेंशनल ऑर्डर के अंदर ही प्रिंट करवाना था। उसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने लिखना था, यूज़र से नंबर लिया, लेट सपोज अगर मैं पहले उसको करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने int n एक नंबर ले लिया, ठीक, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा सी आउट इंटर एनी इंटीजर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक इंटीजर लिया और इंटीजर यूज़र से ले लिया, अब मैं उसको सी आउट में अगर करवाऊँगा तो मैं लिख सकता हूँ सी आउट, यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास 2 था, 2 का मतलब क्या है कि हम लोग बेसिकली n ले रहे हैं, यानी कि ये वो नंबर है जो यूज़र हमें देगा, ठीक है, तो यूज़र अगर 5 देगा तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर इस वैल्यू को लेके चलते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट हुई, n। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास ये मल्टीप्लाइड का साइन जो है वो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता, सो हम x को लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे, स्पेस दी, उसके बाद लिखा x, फिर हम लोगों ने थोड़ी सी स्पेस दी, इसको क्लोज किया, उसके बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 1, ठीक है, अब 1 को भी हम एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सो आप कॉन्स्टेंट लिखते हैं तब भी वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद इज इक्वल्स टू भी लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, एन स्टेरिक 1, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आ गया। इस तरह आप लोगों ने सेकेंड लाइन लिखनी है, सी आउट एन मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल्स टू एन स्टेरिक 2, तो आप लोगों के पास ये जो है वो पैटर्न जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप लोग यहाँ पर एंडल को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, एंडल को जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट करनी पड़ेगी, सिवाय इसके कि यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए नहीं है। जब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर भी आप लोगों को वो मल्टीप्लाइड करवाना पड़ेगा। अब इससे हुआ क्या कि आपको ये 20 दफ़ा लाइनें लिखनी पड़ी, ठीक है, तो इसकी आसानी के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है दैट इज़ योर लूप, और हम यहाँ पर लूप को ही यूज़ करेंगे और बाकी सारा कंसेप्ट जो है वो यही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फॉर लूप को यूज़ करते हैं, फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, फॉर इंट आप ये वेरिएबल जो है वो यहाँ पर भी ले सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आपको सारी जो है वो प्रोग्रामिंग की हर टेक्निक जो है वो आपको आनी चाहिए इस बेसिक लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप उसने यहाँ पर लिया, आप मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंट आई, ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब गिनती हमने लिखनी है, ठीक है, जो रिपीट हो रही थी। फॉर एग्जांपल आई आपके पास स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, उसके बाद क्या है, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा वो 20 तक, ठीक है, और आई के हर आइट्रेशन के ऊपर आई प्लस प्लस, ठीक है, ये वाला हमने काम करवा दिया। अगर हम सिंपल लिखें सी आउट आई, तो आपके पास 1 से लेकर 20 तक जो है वो गिनती प्रिंट हो जाएगी। एंडल के साथ यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, एंडल नहीं यूज़ करेंगे तो एक ही लाइन पे काफ़ी सारी गिनती आ जाएगी। अब जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, हम लूप के अंदर क्या लिख रहे हैं, सी आउट, अगेन मैंने यहाँ पर डेलीमीटर्स यूज़ नहीं की, मैं थोड़ी सी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम वेरिएबल लेके जो है वो आपके पास प्रोग्राम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसके अंदर तो हम लोगों ने थोड़ी सी डिटेल में किया, लेकिन जब लैब एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो यू मस्ट बी एफिशिएंट, ठीक है, आप लोगों का कोड जो है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि आपके पास काम वही करे लेकिन कम तरीक़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पुराने जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर थे और कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे सिर्फ, आजकल वही काम जो है वो माइक्रो सेकंड में भी हो रहा है और वो डिवाइसेस का साइज़ भी जो है वो छोटा हो गया, तो इसलिए आप लोगों को भी अपने जो प्रोग्रामिंग के अंदर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा सी आउट, अब सी आउट के अंदर यहाँ पर देखें आप लोगों के पास पहली चीज़ क्या है, दिस इज़ योर 2, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसके अंदर 5 इंटर किया है तो 5 होगा, इसका मतलब है वो कहाँ पर चीज़ स्टोर हुई हुई है, एन के अंदर। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एन, सो एन को एन बेसिकली हमारे पास वेरिएबल है इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स में नहीं यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पेस दे के मल्टीप्लाइड का साइन, यानी कि एक्स लिखेंगे आप लोग, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ये लिखने के बाद आप लोगों के पास गिनती प्रिंट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ 1 से लेके 20 तक आप लोगों को गिनती चाहिए, और गिनती कौन प्रिंट करवा रहा है, दिस इज़ योर लूप,
ठीक है। तो लूप की आइट्रेशन भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने लिखा आई, सो ये आई की हर आइट्रेशन में, पहली आइट्रेशन में 1, 2, 3, 4 और आपने दोबारा से फिर क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है इक्वल्स टू, यानी कि स्पेस देंगे इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी सी स्पेस देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बेसिकली किस चीज़ को मल्टीप्लाइड करवा रहे हैं, इस गिनती को और बेसिकली इस 2 को। अब 2 की वैल्यू किस में पड़ी हुई है, n में, और इसकी वैल्यू किस में पड़ी हुई है, i में। सो हम लोगों ने क्या किया कि i और n को दोनों को आपस में क्या करा दिया, मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n स्टेरिक i, ठीक है, और यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर एंडल लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने एंडल लिख दिया, अगर आई होप कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर मूव करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सी आउट एंडल, या फिर आप नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सेमी कॉलन से एंड कर दें। अब जब आपने ये चीज़ यूज़ की है तो इट इज़ मस्ट कि ये दो स्टेटमेंट्स हो गई हैं। अब दो स्टेटमेंट हो गई हैं तो ये मस्ट है कि आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको एक ही लाइन पर कवर कर लेते हैं वहाँ पर, इट्स ओके, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसका मकसद भी, डेलीमीटर्स का भी मतलब समझ में आ गया होगा। एंड देन गेट सी एच, आई होप कि आप लोगों को ये एक्टिविटी जो है वो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं इसकी आउटपुट की तरफ नहीं जाऊंगा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन ये जो है वो इसी तरह से आप लोगों को प्रिंट करवा के दिखाएगा। शुरू में आपसे कहेगा इंटर एंड इंटीजर, आप लोगों ने जो भी इंटीजर प्रिंट किया है उसका 20 तक आप लोगों को टेबल जो है वो प्रिंट करके दिखा देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी बेसिकली क्या है हमारे पास,